चुनाव में अक्सर राजनेता दो जगहों से अपनी किस्मत आजमाते हैं यहां तक कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद पीएम मोदी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था लेकिन अब चुनाव आयोग राजनेताओं पर चाबुक चलाने की तैयारी में है एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग का काफी जोर है अब इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय को फिर से भेजा गया है जिसके बाद फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से नए नए नियम ला रही है तीन तलाक से लेकर जीएसटी तक का नियम बना दिया गया लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र से फैसला नहीं लिया जा रहा है जी हाँ एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव अब तक लटका हुआ है दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आने के बाद एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग काफी जोर दे रहा है पहली बार 2004 में यह प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन 18 साल में इस नियम को लागू करने के संबंध में कुछ प्रगति नहीं हो सकी यानी ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है अब एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से इस नियम को लागू करवाने पर जोर देना शुरू किया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर ये प्रस्ताव विचार के लिए केंद्र के पास भेज है केंद्र को नए नियम के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस में बदलाव करना होगा वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन तैतीस सात में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है लेकिन साल उन्नीस से पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था जिसे बाद में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके दो सीटों तक सीमित किया गया था मगर 2004 में पहली बार निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के पास एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजा तब तर्क दिया गया था कि अगर एक व्यक्ति दो सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है तो उपचुनाव कराने में फिर खर्च आता है एक तरह से ये पैसे का दुरुपयोग है इसे देखते हुए सीट छोड़ने वाले निर्वाचित उम्मीदवार को सरकार के अकाउंट में एक निश्चित रकम जमा करने का नियम बनाने की सिफारिश ईसी ने की थी वही मार्च 2015 में विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 211 पन्नों की दो रिपोर्ट में अनेक उपाय सुझाए थे इनमें एक सुझाव उम्मीदवारों को एक ऐसी अधिक सीटों ऐसी चुनाव लड़ने ऐसी रोकने और निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रतिबंधित करने का भी उपाय शामिल था यानी चुनाव आयोग से लेकर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं बावजूद इसके मोदी सरकार चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं ले रही है अब सवाल उठता है कि क्या सरकार लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाना चाहती डीबी लाइफ की रिपोर्ट